कानपुर में बाजार बंदी की आड़ में हजारों लोग जुटाए गए। आपको बता दें कि यह साजिश रचकर बवाल कराया गया, जबरन दुकानें बंद कराई गई। इस साजिश की भनक पुलिस और प्रशासन को नहीं लग सकी। वहीं पुलिस की जांच में बड़ी साजिश की बात सामने आई है, क्योंकि बगैर साजिश इतना बड़ा बवाल करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता के बयान के बाद से ही साजिश रचनी शुरू हो गई थी। इलाके में बाकायदा पोस्टर चिपकाए गए थे और इसके साथ साथ पर्चे भी बांटे गए, जिसमें 3 तारीख का आवाहन किया गया था। आवाहन करने वाले का एक संगठन के शख्स का दावा है कि उसने बंदी निरस्त कर दी थी, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। भाजपा प्रवक्ता के बयान के आने के बाद हयात जफर हाशमी ने 3 जून को बाजार बंद करने का ऐलान किया था, एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था, पर्चे बांट कर बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए थे, मगर बाद में उसने वीडियो मैसेज जारी कर 5 जून को जेल भरो आंदोलन करने का दावा किया था। लेकिन बगैर किसी संस्था व शख्स का नाम लिखे तमाम पोस्टर बेकनगंज, चमनगंज, अनवरगंज समेत इलाकों में चिपका दिए गए थे, जिसमें 3 तारीख को बंदी का आह्वान किया गया था। इसी तरह लोग जुटाए गए और फिर बवाल कराया गया। फिलहाल अभी तक हयात का नाम सामने नहीं आया है, मगर पुलिस अफसरों का कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कई और लोग भी शामिल हैं, जो भीड़ जुटाने से लेकर बवाल कराने में शामिल रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के कई अन्य विंग भी गोपनीय तरीके से अपनी जांच शुरू कर रहे हैं। हयात का नाम CAA हिंसा में सामने आया था, खासकर लोगों को भड़काने में। 1-2 मामलों में उस पर केस भी दर्ज किए गए थे, लेकिन कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गई थी। इस मामले में जिस तरह से वह कह रहा है, उसने बाजार बंद कराने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, वह भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहले बुलाने और फिर अचानक कार्यक्रम रद्द करने में ऐसा लगता है कि ये साजिश है, जिससे वह बच भी जाए और बवाल भी हो जाए। अब वह हाथ अपने पीछे खींच रहा है, जबकि उपद्रवियों ने 3 तारीख पर बवाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।